भाई काव्या के तो होश उड़ चुके हैं जब से अनुज को देखा है, और वो तो पागल सी ही हो गई है उसके पैसे को उसके रुतबे को देखकर। और अब वो अनुज से दोस्ती बढ़ाने के लिए एक ऐसी चाल चलेगी जो कि वनराज को तगड़ा झटका देगी और यहाँ तक कि अनुपमा को भी तगड़ा झटका देने वाली है। दोस्तों यहाँ पर अब जन्माष्टमी मनाने के लिए अनुज घर तो आ गया है और उसे पता चल चुका है कि परिवार में कौन कैसा है। और काव्या का तो उसके बाद फर्स्ट मीटिंग में ही उसने अपना इंप्रेशन दिखा ही दिया कि वो पैसे वालों के पीछे कैसे भागती है। तो वही अनुपमा के बारे में तो वो सब कुछ ही जानता है। तो अब यहाँ पर काव्या पहुंचेगी अनुज के ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, अब अनु काव्या जानबूझकर अनुज के ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई करेगी और वो इंटरव्यू देने पहुंचेगी। और उसके बाद अनुपमा को फोर्स भी करेगी कि वो उस अनुज से रिक्वेस्ट करे कि उसकी कंपनी में उसकी जॉब लगवा दे, और हर बात पर वो अनुपमा को आगे करने वाली है। लेकिन अनुपमा अब ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली और वो कहती है कि शिव अगर तुमने अप्लाई किया है तो तुम खुद जाके उसके लिए इंटरव्यू दो, अगर तुम कैपेबल हो तो तुम्हारी जॉब लग ही जाएगी। यहाँ पर अनुज की मुलाकात भी, जब वो इंटरव्यू देने जाती है तो अनुज से उसकी मुलाकात हो जाती है और उसे देखकर काव्या अब यहाँ पर बुरी तरह से उसके सामने वो भी जो नौटंकी करनी होती है और उसको जॉब मिल जाती है अनुज के ऑफिस में रिक्वेस्ट करने से और उसके इंप्रेशन से। वैसे भी उसको एक्सपीरियंस तो है ही और अनुज उसे जॉब दे देता है और यहीं से शुरू होगी एक नई कहानी। अब यहाँ पर काव्या वनराज को बार बार यही जताने की कोशिश कर रही है कि हमें इससे दोस्ती बढ़ानी चाहिए और अनुपमा का दोस्त मेरा दोस्त नहीं हुआ तो क्या हम दोस्ती तो बढ़ा ही सकते हैं और इसके साथ तो अपनी दोस्ती फायदे वाली ही रहेगी। और फाइनली उसको उसकी कंपनी में यानी अनुज की कंपनी में काव्या को इंटरव्यू के बेसिस पर जॉब तो मिल ही जाती है। और अब शुरू हो गई है एक नई कहानी, यानी कि काव्या बार बार अनुज 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 करते दिखने वाली है, जिस बात से वनराज को तगड़ा झटका लगने वाला है। अब भाई काव्या की जॉब लग जाती है, इससे घर वाले काफी खुश होते हैं और अनुपमा भी काफी खुश होती है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके अनुज के ऑफिस में जॉब करिए कहीं पर, लेकिन वनराज को बहुत बुरा लगने वाला है। भी तो उसको एहसास होगा कि कैसे उसने अगर वो भी अनुपमा को जिस तरह से धोखा दे रहा था तो उसके अनुपमा पर क्या बीत रही थी, और अब जब उसे धोखा मिल रहा है यानी कहीं ना कहीं काव्या अनुज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, चाहे उसका रिश्ता हो या ना हो, लेकिन किसी का उसकी वाइफ का किसी और की तरफ अट्रैक्ट होना वो भी काव्या का भी, और दूसरी तरफ अनुपमा से अगर कोई करीब आने की कोशिश करे तो उसको कैसा लगेगा। तो यहाँ पर दोनों ही तरफ से वनराज की तो बैंड बजने वाली है कि अनुज तो वैसे ही अनुपमा को पसंद करता है, तो दूसरी तरफ काव्या की जॉब भी अनुज के ऑफिस में ही लग जाती है और वनराज दोनों तरफ से पिटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब वनराज की भी बहुत बुरी हालत होने वाली है जो कि आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कि अब काव्या किस तरह से